एक उपाय बताऊं, जिस वस्तु को आप चाहते हैं, जिस वस्तु को भी आप चाहते हैं अधिक संख्या में, वो वस्तु 108 की संख्या में, वो वस्तु 108 की संख्या में जब तक सामान चले, श्रावण मास हो, ध्यान से सुन लीजिए, फिर बाद मत कहना कि बताया नहीं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। जो वस्तु आपको चाहिए प्रचुर अवस्था में, श्रावण मास में प्रत्येक दिन, दो दिन निकल गए तो दो दिन का भी इंक्लूड करके, अब तीसरा दिन है ना, जो वस्तु चाहिए आपको 108 की संख्या में शिवजी की सेवा में लगा दो, शिवजी पे चढ़ा दो। अगर वस्त्र हैं तो वस्त्र लगा दो, आप वस्त्र चाहिए प्रचुर अवस्था में तो वस्त्र 108 वस्त्र रोज चढ़ाओ, सोना चाहिए तो सोना 108 नित्य चढ़ाओ, 108 कुछ गहने बनाकर, चांदी चाहिए तो चांदी के पात्र 108 बना के नित्य चढ़ाओ, धन चाहिए तो 108 रुपया एवरीडे चढ़ाओ। मुझे पता है सब यही करेंगे, वो सोना और चांदी और डायमंड तो महंगा सिस्टम है, जो चाहते हैं कि हम चाहते भी, हम लोग लक्ष्मी चाहते हैं कि प्रचुर अवस्था में मिले, तो जो 108 की संख्या में कोई भी वस्तु श्रावण मास में जो शिवजी पर अर्पण करता है या शिवजी के कार्य को करने में लगाता है, उसके श्रावण मास पूर्ण होने पर करोड़ों गुना ज्यादा करके महादेव एक साल में वापस कर देते, करोड़ों गुना, एक दिन में नहीं, एक साल के भीतर भीतर। ब्याज के लिए कुछ दिन तो जमा करना पड़ेगा ना, अब ऐसे 108 कर करके भी तुम कर लो तो 3,500-4,000 रुपए होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। हाँ सही है गलत है? और इसके 3,500-4,000 रुपए के या किसी वस्तु के करोड़ों गुना करना कितना होगा? एक रुपए का 1 करोड़, अगर भगवान शिव लौटा, ये लिखा हुआ है तो बोल रहा हूं मैं आपको, ये मेरा वाक्य नहीं है, मेरी जिभ्या मत पकड़ना, लेकिन श्रद्धा से करोगे सब कुछ रिटर्न करोड़ों गुना संख्या में एक साल के भीतर तुमको मिलेगा, श्रद्धा से करो। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, हर दिन 108 रुपए निकालो और यही सोचो कि हमें 108 रुपए की इस पार्थिव शिवलिंग बनवानी, इसको कहते आम के आम गुठली के दाम। एक पुण्य तो वो हो रहा है कि 108 निकल रहे हैं, दूसरे जा किस काम के लिए रहे? बोले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होगा। तो एक पंथ दो काम, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना ही कई गुना ज्यादा फल दे देगी। तो इस श्रावण मास में कितना फलदायी है, कितना पुण्यदायी है, मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। आप अगर विश्वास करते हैं तो एक बार निकल जाइए मेरे प्यारे श्रावण मास में, अपने आप का कल्याण करने के लिए उद्देश्य बना लीजिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से